एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं सीमा सहोत्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाकोमाइट के साथ कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स, जिससे आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि जो नाकोमाइट होता है वो हमारी हेल्थ पर किस तरह के प्रभाव डालता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग लोअर क्लासेज में पढ़ते थे तो हम लोग जो चीज़ प्रैक्टिकली करते थे वो हम लोगों को इजीली ही समझ में आ जाती थी। सो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह के होने वाली है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे नाकोमाइट देख रहे हो, वो मैंने कहीं से भी बाय नहीं किया हुआ है। ये हमारे घर के पास ही हम लोगों को इजीली मिल जाता है, और ये जो चट्टानी होती है ना, जस्ट लाइक उनकी फॉर्म में हम लोगों को ये मिलता है। तो कभी टाइम लगा तो मैं आपके साथ वहाँ जाके जरूर शेयर करूँगी। और दूसरी बात कि आप देख सकते हो कि ये बेसिकली एक पत्थर है। तो ये आप पत्थर को खाते हो तो जो पत्थर होता है वो किडनी स्टोन कर सकता है, और यदि किडनी स्टोन का हम लोग सही समय पे इलाज नहीं करवाते हैं तो उसका एक आखिरी इलाज होता है कि ऑपरेशन। तो आप खुद सोचो कि ऑपरेशन सही बात तो नहीं है ना, इससे आपके शरीर को और भी ज़्यादा फिर प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने जब इसको तोड़ा तो इसका जो पाउडर है वो मेरे हाथों में देखो कैसे मेरे हाथों में रब बना हुआ है। तो सेम हाल ये हमारे मुंह के अंदर का भी करता है, हमारी फूड पाइप का भी करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी करता है। तो ये रब बना देता है, जो हमारे मुंह के अंदर का सरफेस होता है वो ये रब बनाने का काम करता है। और इससे हमारे गले सूखने की प्रॉब्लम हो सकती है, और यदि आप भुजा नाकोमाइट खाते हो तो इससे आपके मुँह में घाव भी हो सकते हैं। ये करेंगे कि जो नाकोमाइट होता है उसको हम लोग पानी में डिप करेंगे, जब तक कि वो पानी को अब्सॉर्ब ना कर ले। और जब वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा तो जो उसका लास्ट रिजल्ट आएगा वही सेम हाल ये हमारे पेट में जाकर भी करता है। तो चलिए हम लोग ये प्रोसेस भी कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये भी पूरी तरह से, मतलब पत्थर है ना तो इसको घुलने में टाइम लगता है। सो थोड़ा सा वेट करने के बाद ये पूरी तरह से पानी में घुल चुका है। तो आप देख सकते हो कि जैसा ये यहाँ पर है ना वैसे ये हाल हमारे पेट में जाके भी करता है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी कि ये जो थोड़ा सा नाकोमाइट है वो मैं अपने हाथ में लगाऊँगी और वेट करेंगे हम लोग इसके सूखने का। जैसे ही ये सूख जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारे हाथ की स्किन को कैसे रब कर रहा है। तो सेम वही हाल हमारी ये मुँह का भी करता है जब हम लोग नाकोमाइट को खाते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ खाते हैं, इनकी मिट्टी खा रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो मैंने अपने हाथ में लगाया था वो सूख गया था। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसने मेरे हाथ की स्किन को रफ कर दिया है जैसे ये सूखा है। और ये बेसिकली स्टिकी नेचर का होता है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर भी ऐसा ही कुछ हाल करता है, तो जो कि सही नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। किडनी स्टोन ये कर सकता है, मतलब ये हमारे ओवरऑल हम लोग बात करें तो ये हमारी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डालता है। और ये जो प्रभाव होते हैं वो एक दो दिन में सामने नहीं आते हैं, इनको आने में मतलब कुछ एक टाइम लगता है। सो लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगी कि नाकोमाइट ना खाएँ। और सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। और यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।